So I welcome you all once again to my channel Geography Studio. I am going to start with chapter 2 The World Population Distribution, Density and Growth, book 1 Fundamentals of Human Geography. So let's start all questions one by one. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट डू यू अंडरस्टैंड बाई डेमोग्राफी हम जनसंख्या का अध्ययन करने वाले विज्ञान से क्या समझते हैं एंड द आंसर इज हमें जो मेजरमेंट प्रोसेस से जो डाटा मिलता है हम वही मानव के समाज के बारे में जान सकते हैं डेमोग्राफी इज अ सोशल साइंस दिस इज अल साइंस मीन्स अ ब्रांच ऑफ शोशोलॉजी विच इंटेल्स द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन The second question is, what was world population at the beginning of the 21st century? World population jo hai wo 21st century me kitni thi? And the answer is, it recorded over 6 billion people. This is a census according to 2011. But presently the population of the world is 7.033 billion and is increasing 8 crores being added every year. And the third question is, what is population density? Hum population density se kya samajhte hain, Jansankya se kya samajhte hain? And the answer is, it expresses the number of people residing per unit of area for a particular reason. Yes, it is the ratio between the number of people to the size of the land. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज विच एरियाज़ इन द वर्ल्ड है मोर दैन टू हंड्रेड परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या स्थान सबसे ज़्यादा जहाँ पर है वह वो कौन कौन से देश हैं नॉर्थ ईस्ट यूएस ए नॉर्थ वेस्ट यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज वट इज पॉपूलेशन डब्लिंग टाइम पॉपुलेशन डबलिंग टाइम किसे कहते हैं द टाइम टेकन टेक्स फॉर अ रीज़न टू डबल इट्स पॉपुलेशन एट द करंट ग्रोथ रेट जो करंट ग्रोथ से डबल हो जाती है जो पॉपुलेशन उसे पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कहते हैं एंड दिक्स क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड द वर्ल्ड टेक टू इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन फ्रॉम फाइव बिलियन टू सिक्स बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन को इंक्रीज होने में फाइव बिलियन से सिक्स मिलियन में कितना टाइम लगता है द आंसर इज इट टुक 12 years yes, it took 12 years to rise from 5 billion to 6 billion, yes. and the seventh question is, what is the impact of migration? Migration स्थानांतरण को कहा जाता है, क्या प्रभाव होता है किसी भी देश में आ, कैसे population को change करने में, बदलने में किसी area में migration का क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्या प्रभाव पड़ता है एंड द आंसर इज माइग्रेशन चेंजेस द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया बाय इधर एडिशन ड्यू टू माइग्रेशन और सब्ट्रैक्शन ड्यू टू एमीग्रेशन इन द नंबर ऑफ पीपल माइग्रेशन के कम और ज़्यादा होने से उस एरिया में उस पॉपुलेशन की चेंज में बहुत बड़े बदलाव हो देखने को मिलते हैं

प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन कितने उस एरिया में बर्थ हुए हैं और कितने डेथ हुई हैं उनका माइनस करना और कितने हमारे देश में इन माइग्रेशन हुए हैं कितने लोग हमारे देश में आए हैं और कितने हमारे देश से गए हैं एंड द नाइन्थ क्वेश्चन इज वट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या कॉम्पोनेंट्स हैं क्या पार्ट्स हैं जो पॉपुलेशन को चेंज करने में प्रभावित करते हैं एंड द आंसर इज बर्थ डेथ एंड द माइग्रेशन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन वट इज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इंडिया में एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन कितनी है

यह स्टेटमेंट किसने दी है जिसमें जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा के बदले इंस्टेड ऑफ द फूड सप्लाई थर्टीन थॉमस रॉबर्ट यस थॉमस रॉबर्ट मेल्थर्स सेवेंटीन नाइन्टी थ्री ही बिलीव दैट थ्रू प्रिवेंटिव चेक्स एंड पॉजिटिव चेक्स द पॉपुलेशन वुड बी कंट्रोल टू बैलेंस द फूड सप्लाई विद द पॉपुलेशन लेवल Uh, he is also known for the population growth. and the 13th question, what is the density of population of india in person per square kilometer? and the answer is 382. yes, 382 person per square kilometer according to census 2011. and the 14th question, which state has highest population density? ऑफ इंडिया इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पर हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है एंड द आंसर इज बिहार हैविंग वन थाउजेंड वन हंड्रेड टू परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर अगेन इट इज अकॉर्डिंग टू द सेंसेस टू थाउजेंड इलेवन एंड द फिफ्टीन क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है जो डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो डिस्क्रिमिनेट uh, करने के लिए नेसेसरी uh, है uh, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फ्रॉम दिस प्रोग्राम दे प्रमोट जेंडर सेंसिटिव सेंसिटिविटी सो फ्रॉम दिस प्रोग्राम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन येस गाइज दैट्स ऑल फॉर टूडे Please like, share, and subscribe my channel. Hope you all like it. Thanks for watching.